हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी एडुकेशन। मैं आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन टू इक्लिड ज्योमेट्री से क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेकर आया हूं, जो कि फोर नंबर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एडजॉइनिंग फिगर नेम। फर्स्ट में दिया हुआ टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दियर कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना। सेकंड में दिया हुआ थ्री कंकरेंट लाइंस एंड दियर पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन लिखना, थ्री रेज लिखना है और टू लाइन सेगमेंट लिखना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट की ओर। तो हम लोग अगर आंसर फर्स्ट की आंसर क्या हो सकता, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे तो अगर आंसर फर्स्ट का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सबसे पहले टू पेयर क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, तो दो पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा आपको ई एफ, ई और एफ हो जाएगा और जी और एच हो जाएगा। ई एफ, ई और एफ होगा एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का और हो जाएगा जी और एच हो जाएगा। तो कह सकते हैं ई ई हो जाएगा, ई एफ और क्या कर सकते हैं जी एच हो जाएगा। और भी कह सकते हैं ये दो तो टर्म्स हो गया आपको, और भी कह सकते हैं आर जो होगा आर भी हो जाएगा आपको। तो ये आर हो गया, तो ये आपको तो निकल गया, लेकिन आपको इसको में भी और क्या करना, क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो क्रोस्पॉन्डिंग लिखना है आपको, तो देख सकते हैं ए बी, ए और बी आपका इसका क्रस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं क्रस्पॉन्डिंग ए बी हो जाएगा, और भी कह सकते हैं सी डी, सी और डी, ए बी तो क्रस्पॉन्डिंग हो गया इसका, और भी कह सकते हैं सी डी, तो सी डी कहां पे है, सी और डी हो जाएगा, तो सी और डी हो जाएगा। और भी कह सकते हैं इसका पॉइंट पी हो जाएगा, इसका पॉइंट पी हो जाएगा इंटरसेक्शन का। मीन्स कह सकते हैं टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन दियर क्रस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ई एफ, ई एफ आर और जी एच देखिए यहाँ पर ई और एफ हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, और क्या सकते हैं जी और एच आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसको मिस करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं ए बी, तो देखिए तो ए और बी हो जाएगा, और भी कह सकते हैं सी और डी, देखिए यहाँ पर सी और डी के बाद ए और बी हो गया और सी और डी, तो सी और डी आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन, मिस इसका करस्पॉन्डिंग इंटरसेक्शन हो जाएगा। चलो ये बात तो समझ में आ गया हमें, और अब देखते हैं सेकेंड की ओर। तो अगर आपको सेकंड की ओर देखेंगे तो क्या पता चलेगा, थ्री कंकरेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। थ्री कंकरेंट लाइंस आपको देखना, तो थ्री कंकरेंट लाइन कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ई एफ हो जाएगा, ए बी और ई एफ, तो देख सकते हैं ए और बी हो जाएगा, तो ए और बी हो जाएगा यहाँ पर ए और बी, और कह सकते हैं ई और एफ, ई और एफ हो जाएगा, ई और एफ हो जाएगा, और भी कह सकते हैं जी और एच हो जाएगा, जी और एच हो जाएगा, जी और एच, देखिए यहाँ पर जी और एच क्या हो जाएगा, जैसे ई ए हो गया और उसके बाद ए और बी, ए और बी हो गया, जी एच, जी और एच हो गया, और उसके बाद कह सकते हैं यहाँ पे आर हो जाएगा, जो ये इसका आर, तो यहाँ पर आर हो गया। तो ये आपको कौन सा हो गया, थ्री कंकरेंट लाइंस दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये भी देख सकते हैं ए बी हो गया यहाँ पे, ई एफ हो गया, ई और एफ, तो ई और एफ हो गया, और भी कह सकते हैं जी और एच, तो जी और एच मिस क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मिस थ्री और कंकरेंट लाइन, मिस एक पॉइंट पर दो थ्री और मोर लाइंस क्या कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी को कंकरेंट लाइन बोला जाता। चलो थ्री रेज के बाद बोला जा, तो तीन रेज फिर है कौन, तो तीन अगर रेज चलेंगे थर्ड पॉइंट में, अगर थ्री रेज के बाद चलते हैं तो थ्री रेज कौन कौन हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे थ्री रेज के बारे में। तो थ्री रे हो जाएगा हमारा, थ्री रेज के बाद बोला जा रहा यहाँ पर थ्री रेज, तो थ्री रेज कौन कौन हो जाएगा आपको थर्ड में देख सकते हैं थ्री रे, तो यहाँ पर आर बी बोल सकते हैं, आर और भी बोल सकते हैं बी हो जाएगा, आर और बी, तो यहाँ पर देख सकते हो आर और बी भी बोल सकते हैं इसका, मैं अगर थ्री रेज के बाद बोला जाए तो आर और बी हो जाएगा, ये आपका रे हो जाएगा थ्री रे एक हो गया, और भी कह सकते हैं आर और एच भी बोल सकते हैं, आर और एच भी बोल सकते हैं, आर ही बोल सकते हैं, आर और जी भी बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं आर और जी, ये आपका थ्री रेज हो गया। टू लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट का बात बोला जा, तो आपको फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है टू लाइन सेगमेंट, तो दो लाइन सेगमेंट कौन कौन हो जाएगा देख सकते हैं आर और क्यू, देखिए यहाँ पर आर और क्यू, आर भी बोल सकते हैं आपको क्यू हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आर और क्यू, लाइन सेगमेंट मीन ए हो जाएगा पॉइंट और ये पॉइंट हो जाएगा, तो बोल सकते हैं आर और क्यू हो जाएगा आपको लाइन सेगमेंट, ए हो जाएगा आपको लाइन सेगमेंट, आर भी बोल सकते हैं, आर क्यू के बाद कौन सा हो जाएगा आर और पी भी हो जाएगा, आर और पी भी हो जाएगा, तो बोल सकते हैं आर और पी भी लाइन सेगमेंट, देखिए यहाँ पर ए और ये, तो आर और पी, आर और पी ये हो जाएगा आपको।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट।